आज का लेक्चर बहुत शानदार ही नहीं बल्कि जानदार रहने वाला है। जानदार इसलिए है क्योंकि किसी भी आशा में होने वाले जॉब एग्जाम में आपको इस लेक्चर सीरीज में से ही 2-3 सवाल मिलने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से सवाल हमको डिस्कस करने हैं। आज का पहला सवाल है, व्हाट वॉज द फर्स्ट डेली असामिस न्यूज़पेपर? असामिस न्यूज़पेपर कौन सा पहले पब्लिश की गई थी? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, दैनिक बातोरी, दैनिक जन्मभूमि, दैनिक अग्रदूत और दैनिक असम। इसमें करेक्ट आंसर है दैनिक बातोरी। दैनिक बातोरी को पब्लिश की गई थी 21 अगस्त 1935 को शिवा प्रसाद बरुआ के द्वारा। वो ठेंगल भवन जोरहाट से की गई थी और इसका एडिटर रहा है बकनिबोर नीलोमणि फुकन। तो आज का दूसरा सवाल देख लेते हैं, व्हाट वॉज द फर्स्ट इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर इन असम? असम में पहला वीकली न्यूज़पेपर इंग्लिश का कौन सा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑप्शन ए असम ट्रिब्यून, ऑप्शन बी है असम न्यूज, ऑप्शन सी है द टेलीग्राफ, ऑप्शन डी में है द टाइम्स ऑफ असम। यहाँ पे करेक्ट आंसर है असम न्यूज, जो है ऑप्शन नंबर बी। ये असम न्यूज जो है इसको पब्लिश की गई थी 1882 में, किसके द्वारा? हेमचंद्र बरुआ के द्वारा। तो ये रहा आज का दूसरे सवाल का जवाब। तो देख लेते हैं तीसरा सवाल क्या है, व्हाट वॉज द फुल लेंथ हिस्ट्री ऑफ असम? व्हाट वॉज द फर्स्ट फुल लेंथ हिस्ट्री ऑफ असम? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन है ए है जुनाकी, ऑप्शन बी है ए हिस्ट्री ऑफ असम बाय ई ए गेट, ऑप्शन सी है ऑर्नाडो, ऑप्शन डी है आपके सामने हेमकोस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए हिस्ट्री ऑफ असम बाय एडवर्ड गेट। एडवर्ड गेट जो है वो एक असिस्टेंट कमिश्नर रह चुका है असम का 1882 में, और वो एक मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी रह चुका है। उन्हें ही ए हिस्ट्री ऑफ असम पब्लिश की थी 1906 में। आज का चौथा सवाल देख लेते हैं, Who was the first Assamese to translate Ramayana into Assamese? कौन एक ऐसा Assamese है जिन्होंने पहली बार Ramayana को अनुवाद की थी Assamese में? ऑप्शंस आपके सामने में है, ऑप्शन ए है श्रीमंत माधव देवा, ऑप्शन बी है हेमचंद्र बरुआ, ऑप्शन सी जतीन्द्रनाथ द्वारा, ऑप्शन डी है माधव खंडली। तो करेक्ट आंसर होगा इसमें माधव खंडली, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। उसको कबीराज के नाम से भी जाना जाता है, कबीराज माधव खंडली, जो 14th सेंचुरी के हैं। वो एक पोएट है, कवि है, नोटेबल एक पोएट है जिन्होंने वाल्मीकि रामायण को असमिस में अनुवाद की थी। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फर्स्ट प्रिंटेड बुक इन असमिस लिटरेचर वॉज? असम का पहला जो प्रिंटेड किताब था वो कौन सा है नीचे दी गई ऑप्शन में से? ऑप्शन ए है ए हिस्ट्री ऑफ असम बाय ई ए गेट, दूसरा ऑप्शन है न्यू टेस्टामेंट, ऑप्शन नंबर सी है मिरी ज्योरी और चौथा ऑप्शन कथा गीता। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है न्यू टेस्टामेंट। ये जो न्यू टेस्टामेंट है इसको पब्लिश की थी विलियम केरे ने 1913 में, और इसको हेल्प किया था पब्लिश करने में आत्माराम शर्मा ने। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ असम साहित्य सभा? असम साहित्य सभा का पहला प्रेसिडेंट कौन था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑप्शन नंबर ए शरद चंद्र गोस्वामी, ऑप्शन डी है पद्मनाथ गोहाई बरुआ, ऑप्शन सी है आनंद चंद्र अग्रवाला और ऑप्शन डी है हेमचंद्र गोस्वामी। इसमें क्या करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा देख लेते हैं। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी पद्मनाथ गोहाई बरुआ। तो असम साहित्य सभा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। असम साहित्य सभा को असमीज में बोलते हैं अहोम साहित्य सभा, और इंग्लिश में बोल देते हैं असम लिटरेरी सोसाइटी। ये एक नॉन गवर्नमेंट है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका एस्टेब्लिशमेंट जो फाउंड की गई थी दिसंबर 1917 में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि ये ताकि असमीज का जो कल्चर है, असमीज का जो ट्रेडिशन है उसको प्रमोट कर सके, है ना। तो इसी कारण ये असम साहित्य सभा आगे सामने निकल गया 1917 में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
आज का अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट असमिस मैगजीन। नीचे दिए गए ऑप्शन में से असमिस मैगजीन कौन सा पहला पब्लिश की गई थी। पहला ऑप्शन है अरुणोदय, दूसरा ऑप्शन है जॉयमती, ऑप्शन है सी बॉर्नफुल और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है अरुणोदय, क्योंकि अरुणोदय एक पहला असमिस लैंग्वेज का मैगजीन है जिसको पब्लिश की गई थी बैप्टिस्ट मिशनरी प्रेस में। वो कहाँ है? वो है स्थित शिव सागर में, और अरुणोदय को पहले पब्लिश की गई थी 1846 में। किसके द्वारा? ओलिवर थॉमस कार्टर के द्वारा अरुणोदय को 1846 में पब्लिश की गई थी। और इसका जो एडिटर्स रह चुका है डॉक्टर नाथन ब्राउन, ए एच डैनफोर्ड, विलियम वर्ड जैसे कई व्यक्ति एडिटर रह चुका है अरुणोदय का, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट टू कंपाइल द फर्स्ट एग्जास्टिव एसएमएस डिक्शनरी नेम्ड हेमकोश। हेमकोश नामक एक डिक्शनरी बनाया गया था, वो एक पहला मतलब विस्तार में जो एसएमएस डिक्शनरी बनाया गया था वो किसने बनाए थे? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑप्शन ए है आनंद चंद्र बरुआ, ऑप्शन नंबर बी है लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ, ऑप्शन नंबर सी है हेमचंद्र गोस्वामी और चौथा ऑप्शन है हेमचंद्र बरुआ। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जो कि हेमचंद्र बरुआ। हेमचंद्र बरुआ एक प्रोमिनेंट राइटर है, राइटर थे और सोशल रिफॉर्मर रह चुका है आसाम का। वो 19th सेंचुरी के थे, वही जो कि पहला एक एग्जास्टिव मतलब विस्तार में जो डिस्क्राइब की गई थी एक डिक्शनरी हेमकोश नाम का, उसने हेमचंद्र ने ही पब्लिश की थी। वो पब्लिश की थी 1900 में, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अगला सवाल है, वेयर वाज फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ आसाम साहित्य सभा हेल्ड। आसाम साहित्य सभा जो है उसका पहला कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ था या किस ईयर में हुआ था, वो सवाल है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जो है दिसंबर 1917। दिसंबर 1917 में ही आसाम साहित्य सभा का पहला कॉन्फ्रेंस होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ आसाम साहित्य सभा। आसाम साहित्य सभा का पहला सेक्रेटरी कौन रह चुका है? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन नंबर ए चंद्र कुमार अग्रवाला, ऑप्शन नंबर बी आनंदराम देखियल फुकन और तीसरा ऑप्शन है विष्णु प्रसाद रावा और आखिरी ऑप्शन नंबर डी वो है शरद चंद्र गोस्वामी। इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है, जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो आंसर हो जाता है शरद चंद्र गोस्वामी। शरद चंद्र गोस्वामी का जहां तक बात किया जाता है वो एक प्रोमिनेंट राइटर रह चुका है आसाम का। वो एक फाउंडर भी थे आसाम साहित्य सभा का, है ना, और वो एक पहला सेक्रेटरी रह चुका है आसाम साहित्य सभा का, है ना। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फर्स्ट मैगजीन ऑफ अहोम बाहा उन्नति खादिनी खबा। जो अहोम बाहा उन्नति खादिनी खबा जो एक ऑर्गेनाइजेशन थे उसके द्वारा एक पहला मैगजीन पब्लिश की गई थी, तो वो मैगजीन कौन सा है इन दिए गए ऑप्शन में से? ऑप्शन में है जुनाकी, ऑप्शन बी है बॉर्नफुल, तीसरा ऑप्शन है बनुमति और चौथा ऑप्शन है अधिपत। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पे हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि 1889 में पब्लिश की गई थी। 1889 में इसको पब्लिश की गई थी कलकत्ता से, और इसको पब्लिश किया था अहोमिया बाहा उन्नति खादिनी खोबा ने। और इसका जो ऑब्जेक्टिव था, इसका जो उद्देश्य था इसको पब्लिश करने के लिए, इस मैगजीन में ही एम्स और ऑब्जेक्टिव्स जो इस ऑर्गेनाइजेशन का सारा पब्लिश की गई थी जुनाकी मैगजीन में, है ना। तो जुनाकी मैगजीन अहोम बाहा उन्नति खादिनी खोबा का पहला मैगजीन रहा है, वो पब्लिश की गई थी 1889 में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फर्स्ट असमिस सोनेट। तो असमिस का पहला सोनेट कौन सा है नीचे दिए गए ऑप्शन में से? पहला ऑप्शन है अहोमिया लोरार मित्रो, ऑप्शन नंबर बी है पाटमाला, ऑप्शन नंबर सी है मोइना, ऑप्शन नंबर डी है प्रियतमोर सिटी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है प्रियतमोर सिटी।
ये जो प्रियतम और सीति है, इसको पब्लिश की गई थी और लिखी गई थी हेमचंद्र गोस्वामी के द्वारा। हेमचंद्र गोस्वामी एक राइटर थे, वो एक कवि भी थे, एक हिस्ट्रियन भी थे, एक टीचर भी रह चुका है वो, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू राइट ए प्राइमर ऑफ असामिस लैंग्वेज। आसामिस भाषा में किसने पहला प्राइमर पब्लिश की थी, यानी कि लिखी थी। तो वो पहला ऑप्शन है सत्यनाथ बरुआ, दूसरा ऑप्शन हो गया गुणाराम बरुआ, तीसरा ऑप्शन है हेमचंद्र गोस्वामी, और चौथा ऑप्शन रहा हेमचंद्र बरुआ। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है यहाँ पे, आंसर हो जाता है हेमचंद्र बरुआ, है ना। हेमचंद्र बरुआ ने ही पहली बार आसामिस लैंग्वेज में प्राइमर लिखा था, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ अहोमिया भाषा उन्नति खादिनी खोबा कौन है। मतलब फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ अहोमिया खादिनी खोबा का जो पहला सेक्रेटरी कौन रह चुका है। पहला ऑप्शन है पद्मनाथ गोहाई बरुआ, दूसरा ऑप्शन है रजनीकांत वरदलोई, ऑप्शन नंबर सी है शिवराम शर्मा, और ऑप्शन डी आपके सामने विष्णुराम मेढी। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाता है, करेक्ट ऑप्शन हो जाता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है शिवराम शर्मा। मतलब शिवराम शर्मा पहले सेक्रेटरी रह चुका है, किसका, वो सेक्रेटरी रह चुका है अहोमिया भाषा उन्नति खादिनी खोबा का, पहला सेक्रेटरी रह चुका है शिवराम शर्मा, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट एडिटर ऑफ जूनागी। जूनागी का पहला एडिटर कौन था। तो आपके सामने ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए विलियम कैरे, ऑप्शन नंबर बी है वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य, ऑप्शन नंबर सी है चंद्र कुमार अग्रवाला, और ऑप्शन डी है लक्ष्मीनाथ बेज बरुआ। यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है, देख लेते हैं क्या होता है। चलिए ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, वो है चंद्र कुमार अग्रवाला। जहां तक चंद्र कुमार अग्रवाला के बात किया जाता है, तो वो एक इमिनेंट राइटर रह चुका है, कवि रह चुका है, एक जर्नलिस्ट रह चुका है आसाम का, है ना, और वो एक पायोनर थे जूनागी एरा का, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाय हुम वाज द फर्स्ट असामिस डिक्शनरी नेम ए डिक्शनरी इन असामिस एंड इंग्लिश रिटर्न। जो एक डिक्शनरी बनाए गए थे ए डिक्शनरी इन असामिस एंड इंग्लिश नाम से, वो एक पहला असामिस भाषा में एक पहला डिक्शनरी था, तो उस डिक्शनरी को किसने लिखा था, ये सवाल है यहाँ पे। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑप्शन ए है नाथन ब्राउन, ऑप्शन बी में है विलियम कैरे, ऑप्शन सी है माइल्स ब्रॉन्सन, और ऑप्शन डी है हेमचंद्र गोस्वामी। तो चलिए देख लेते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, किसने लिखा था ये पहला डिक्शनरी। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन नंबर सी जो है माइल्स ब्रॉन्सन। तो माइल्स ब्रॉन्सन एक अमेरिकन मिशनरी है जिन्होंने ये पहला डिक्शनरी पब्लिश की थी 1867 में, वो की थी बैप्टिस्ट मिशन प्रेस शिवसागर से, है ना। तो माइल्स ब्रॉन्सन पहला एक व्यक्ति है जिन्होंने पहला एसएमएस डिक्शनरी बनाया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट एंग्लो एसएमएस डिक्शनरी वाज कंपाइल्ड बाय। एक पहला एंग्लो एसएमएस डिक्शनरी किसने बनाए थे, है ना। ये एंग्लो एसएमएस डिक्शनरी के बात किया जा रहा है, पहले का वो जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे वो एग्जस्टिव डिक्शनरी था, और ये है एंग्लो एसएमएस डिक्शनरी। तो इसमें ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑप्शंस ए है हेमचंद्र बरुआ, दूसरा ऑप्शन है माइल्स ब्रॉन्सन, तीसरा ऑप्शन हुआ मक्खनलाल छलिया, और चौथा ऑप्शन है बॉट ए एन बी, मतलब ए एन बी दोनों में दोनों भी हो सकता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर देख लेते हैं, ऑप्शंस क्या करेक्ट है यहाँ पे। करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे मक्खनलाल चलिहा जो है ऑप्शन नंबर सी, है ना। तो मक्खनलाल चलिहा ने ही पहला एंग्लो एसएमएस डिक्शनरी पब्लिश की थी। वो एक कॉटोनियन रह चुका है, कॉटन कॉलेज से पास आउट है वो 1910 में, ये पहला एंग्लो एसएमएस डिक्शनरी लाया था किसने, मक्खनलाल चलिहा ने, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट असमिस राइटर टू रिसीव साहित्य अकादमी अवार्ड। असमिस राइटर कौन कौन सा असमिस राइटर है जो पहले बार, मतलब
साहित्य एकेडमी अवार्ड जीता था। वो ऐसे मिस राइटर कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन ए है ज्योति प्रसाद अग्रवाला, ऑप्शन नंबर बी में है गोपीनाथ बरदलोई, ऑप्शन नंबर सी है जतेंद्रनाथ द्वारा और ऑप्शन डी है अर्णब जान देका। तो पहला साहित्य एकेडमी अवार्ड मिलने वाला कौन है? करेक्ट ऑप्शंस देख लेते हैं हम, क्या है करेक्ट ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर सी बन जाता है जतेंद्रनाथ द्वारा। जतेंद्रनाथ द्वारा एक नोटेबल पोएट रह चुका है जूना की एरा का, वो ऐसे मिस लिटरेचर में, और कहीं ना कहीं द्वारा को हम बॉन फुलर कोबी के नाम से भी जाना जाता है ऐसे मिस लिटरेचर में, और उसी ने ही वो जो बॉन फुल एक कवि थे कविता थे उसको वो लिखा था, और उसी के कारण ही उसको 1955 में वो जो साहित्य एकेडमी अवार्ड दी गई थी, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला सवाल है, हु वाज द फर्स्ट एसएमएस एक्ट्रेस टू विन नेशनल अवार्ड अंडर द बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से किसने पहला नेशनल अवार्ड जीते थे बेस्ट एक्ट्रेस के कैटेगरी में, वो एक ऐसे मिस थे, कौन थे वो? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन ए है बनिता दास, ऑप्शन बी है मौलया गोस्वामी, ऑप्शन सी है एडो हैंडिक और आखिरी ऑप्शन है रीमा दास, है ना। तो चलिए देख लेते हैं इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट ऑप्शन क्या है। करेक्ट ऑप्शन बन जाता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है मौलया गोस्वामी। मौलया गोस्वामी एक ऐसे मिस एक्ट्रेस रह चुका है, अभिनेत्री रह चुका है, जिन्होंने नेशनल फिल्म अवार्ड जीते थे बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी में। किस फिल्म में के वजह से वो जीता था? वो जीता था फिरंगोटी एक फिल्म थे, वो मूवी थे 1992 में, उसके कारण ही मौलया गोस्वामी ने नेशनल अवार्ड जीते थे बेस्ट एक्ट्रेस के कैटेगरी में, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग इस और आर द फर्स्ट अर्जुन अवार्डी ऑफ असम। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से किसने पहले बार अर्जुन अवार्ड जीते थे असम से, है ना। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन ए है हिमा दास, ऑप्शन बी में है अंकुशी दबोरो, ऑप्शन सी में है भोगेश्वर बरुआ और ऑप्शन डी है बॉट ए एंड बी। चलिए देख लेते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। अर्जुन अवार्डी है भाई असम का, है ना। ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन बन जाता है यहाँ पे ऑप्शन सी भोगेश्वर बरुआ। ऑप्शन सी भोगेश्वर बरुआ जो है एक इंडियन फॉर्मर एथलीट रह चुका है और वो एक कोच भी रह चुका है, और उसके नाम से ही उसका जन्मदिन में जो है सितंबर 3 सितंबर जो है उसके नाम से ही अभिरुचि स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है असम में, है ना। अभिरुचि स्पोर्ट्स जो 3 सितंबर को मनाया जाता है असम में, तो उसके जन्मदिन पे ही मनाया जाता है ये अभिरुचि स्पोर्ट्स डे, याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 21वां क्वेश्चन आज का है, हु वाज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ भारत रत्न फ्रॉम असम। भारत रत्न किसको दिया गया था पहले बार असम से, है ना। असम का जो एक पहला व्यक्ति जिन्होंने भारत रत्न मिला था, तो ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है गोपीनाथ बरदलोई, ऑप्शन बी है कनकलता बरुआ, ऑप्शन सी है गोमधर कुंवर और ऑप्शन डी में है मणिराम दीवान। तो इन दिए गए ऑप्शंस में से किसको भारत रत्न के साथ नवाजा गया था जो कि वो असम से, है ना। तो करेक्ट आंसर देख लेते हैं यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है गोपीनाथ बरदलोई, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। गोपीनाथ बरदलोई वो जो असम के चीफ मिनिस्टर रह चुका है और उसको भारत रत्न से नवाजा गया था 1999 में, वो भी पोस्टमासली, मतलब उसके देहांत होने के बाद, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का 22वां क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ ज्ञानपीठ अवार्ड ऑफ फ्रॉम असम। असम का पहला व्यक्ति जो ज्ञानपीठ अवार्ड मिले थे वो कौन है? आपके सामने ऑप्शंस है। ऑप्शंस नंबर ए है आनंद चंद्र बरुआ, ऑप्शन बी है आनंद चंद्र अग्रवाला, तीसरा ऑप्शन हो गया शरद चंद्र गोस्वामी और आखिरी ऑप्शन
ऑप्शन बी है नन ऑफ द अबव। तो चलिए देख लेते हैं क्या है इस सवाल का जवाब। इस सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जो कि नन ऑफ द अबव, मतलब दिए गए ऑप्शंस में से किसी ने भी ज्ञानपीठ अवार्ड नहीं जीता था। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य। वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य एक राइटर रह चुका है, लेखक रह चुका है। उन्होंने पहले बार एसएमएस राइटर के द्वारा वो मतलब जीता गया था ज्ञानपीठ अवार्ड, उसको ही नवाजा गया था, उसको नवाजा गया था ज्ञानपीठ अवार्ड से 1979 में। उसको ये ज्ञानपीठ अवार्ड इसलिए मिला क्योंकि मृत्युंजय जो उन्होंने एक नॉवेल लिखी थी उसी की वजह से ही उसको ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया था 1979 में ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आज का पहला आखिरी सवाल होगा। Who was the first recipient of gold medal in Asian Games from Assam? आसाम का एक नागरिक जिन्होंने पहले बार गोल्ड मेडल जीता था एशियन गेम में, वो कौन है? आपके सामने ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है बोगेश्वर बरुआ, ऑप्शन नंबर बी है हिमा दास, तीसरा ऑप्शन है स्वप्न बर्वन और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। इन दिए गए ऑप्शंस में से आपका थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि हिमा दास और बोगेश्वर बरुआ और स्वप्न बर्मन इन तीनों के बीच थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि आपने देखा होगा 2018 का जो एशियन गेम्स हुआ था पलेमबेंग में और जकार्ता में, जो कि इंडोनेशिया में जो हुआ था, उसमें हिमा दास ने मेडल जीता था, उसमें गोल्ड भी जीता, सिल्वर भी दो जीता था। तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि एशियन गेम्स की बात किया जा रहा है। तो लेकिन इसमें करेक्ट ऑप्शन होता है बोगेश्वर बरुआ, क्योंकि बोगेश्वर बरुआ जो है उन्होंने ही पहले बार गोल्ड मेडल जीता था असम एशियन गेम्स में, आसाम से। तो वो उन्होंने जीता था एशियन गेम्स 1966 का जो एशियन गेम्स हुआ था उसमें उसमें ही बोगेश्वर बरुआ ने पहले बार गोल्ड मेडल जीता था एशियन गेम्स में। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है बोगेश्वर बरुआ, बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं रखना है इसमें। हिमा दास ने जीता था 2018 में, लेकिन ये जो गोल्ड मेडल जीता था भोगेश्वर बरुआ वो 1966 में ही जीत चुका है। तो यहाँ पे हो गया भोगेश्वर बरुआ, जो कि पहले बार एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था, है ना। तो ये आज का आखिरी सवाल था। तो अगर आपको इस लेक्चर पसंद आया हो, तो अगर आप सोचते हैं कि फायदा हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम्स में, तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए अगले लेक्चर में आपसे भेंट होते हैं, आपसे मुलाकात होते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।